हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट पर और आप सभी के आंसर की पर आज की काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। 20 सितंबर की सबसे बड़ी होने वाली खुशखबरी हमारे उन सभी छात्रों के लिए जो टीजीटी और पीजीटी के रिजल्ट का वेट कर रहे थे और साथ ही साथ फाइनल आंसर की का वेट कर रहे थे। आपको बता दें, आयोग से काफ़ी बड़ी नोटिस आप सभी के रिजल्ट पर और कट ऑफ पर जारी हो चुकी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको पूरी अपडेट। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन जो कर लें, क्योंकि आगे भी आप अभी तक टीजीटी और पीजीटी के रिजल्ट और आप सभी के फाइनल आंसर की से रिलेटेड जो अपडेट होंगी वो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचाई जाएंगी। साथ ही साथ जो आपकी नई वैकेंसी आ रही है, 27,000 से ज़्यादा पद इसमें होने वाले हैं, इसका भी जो नोटिफिकेशन आप सभी को इसी मंथ यानी करंट जो मंथ चल रहा है सितंबर में ही आप लोगों को देखने को मिल सकता है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार रिजल्ट जैसे ही जारी होगा वैसे ही एक हफ्ते के अंदर आप सभी का नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। और काफ़ी बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं फ्री आगे आने वाली वैकेंसियों की, अगर आपका ये पेपर नहीं सही हुआ है तो आप लोग फ्री कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ। सरकारी जॉब विधवा टेलीग्राम चैनल का नाम है और आप लोग जाएंगे टेलीग्राम पर आसानी से इस चैनल को पा जाएंगे। 10,700 से ज़्यादा छात्र अभी तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा छात्र यहाँ से लाभ ले रहे हैं। फ्री कंटेंट का लाभ के लिए टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो। तो दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट, टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट 20 सितंबर 2021 तक जारी होगा। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि आप सभी का रिजल्ट 15 से 20 सितंबर के बीच में आएगा और यहां पे आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट दे दी है बोर्ड के अधिकारियों ने। साथ ही साथ ये भी कहा है कि इस बार कट ऑफ जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा कम जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अटेंडेंस का जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा गिरा था कोरोना के कारण। यहाँ पे छात्रों ने जो अटेंडेंस दी है वो काफ़ी ज़्यादा कम दी है, जिसके कारण से आप सभी का जो कट ऑफ है काफ़ी ज़्यादा गिरने वाला है। 11 लाख के करीबन छात्रों ने अप्लाई किया था, उसमें से 60 से लेकर यहाँ पे आपको बता दें 63 तक की अटेंडेंस रही है, जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ इस बार डिक्रीज़ होने वाली है। साथ ही साथ आपको बता दें 10 से 15 नंबर आपके फाइनल आंसर की में भी बढ़ाए जा सकते हैं। हिंदी हो गया, गणित हो गया, सामाजिक विषय हो गया, इन सभी पेपरों में जो है आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा एरर्स आए थे जिसमें छात्रों ने ऑब्जेक्शन फॉर्म फिल किया था, तो वहाँ पर आप सभी को यहाँ पर नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इतने अंक तो आपके बढ़ ही जाएंगे कम से कम।